हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं फिर लड्डू की रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ, संक्रांति स्पेशल। तो देखिए कितना सारा क्वांटिटी में बनाया है, और ये मैं लेके खड़ी हूँ लड्डू जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए कितना बड़े बड़े लड्डू बनाए हैं, तो आप भी ये घर में बना सकते हैं, आसान है एकदम। तो उसके लिए मैंने गुड़ ले लिया है, ये गन्ने का गुड़ है जिसको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है। और एक घमेले में मैंने कुरमुरा निकाल के रख लिया है, तो जितना कुरमुरा रहेगा उसे थोड़ा सा कम हम गुड़ लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने एक साथ गुड़ पका लेंगे, क्योंकि हमने दो घमेले में कुरमुरा निकाल के रखा है। और आधा ग्लास पानी डाल देंगे, क्योंकि ये हमको गलाने के लिए चाहिए, और मीडियम फ्लेम में हमको ये पकाना है, नहीं तो जल जाएगा। और इसमें हम फ्लेवर के लिए अदरक डालेंगे, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार बना के देखना, क्योंकि मैंने पहले रेसिपी भी मैं आपको बताई थी, जो मूंगफली की डाली थी और चिक्की की डाली थी। तो देखिए ये पाक एकदम उबल रहा है, इसको चेक करने के लिए हमें पानी लेना है कटोरे में, और आप डालें तो वो फैले नहीं, वो जब हाथ में ले तो गोला बन जाए, तो वैसा इसका पाक रखना है। और मीडियम में ही इसको पकाना है, और इसको थोड़ा पकाने में टाइम लगता है। तो देखिए ये पक चुका है, और मैं दो घमेले में आधा आधा डाल दूंगी जितना मुझे चाहिए। और इसको चम्मच के सहायता से ही चलाना है, क्योंकि ये पा के हाथ में चिपक जाएगा तो प्रॉब्लम कर लेगा हाथ में, पक जाते हैं हाथ। तो देखिए इसको तुरंत ही गरम गरम ही बनाना पड़ता है इसको, तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के या पानी लगा के हम ये बनाए तो हाथ में चिपकेगा नहीं। तो देखिए हम चम्मच के सहायता से पूरा मिला लेंगे इसे, और फटाफट लड्डू बनाएंगे, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है तो लड्डू बनता नहीं है। तो देखिए कैसे फटाफट बना रहे हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेहनत तो लगती है बनाने में, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। और हमने बहुत सारा बनाया था, जैसा दो टाकी, क्योंकि ये स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी ट्राई करना, और टेस्ट में आपको कैसे लगा वो भी मुझे बताना। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।